सो है मेरे प्यारे दोस्तों, दुर्गा पूजा बस आने ही वाला है। सो हर क्लब में, हर जगह में सो दोस्तों आपको सब्जेक्ट मिलेगा कि दुर्गा ठाकुर के दुर्गा पूजा के ऊपर आप पेंटिंग बनाओ। सो दोस्तों देखो, मैं दुर्गा पूजा के ऊपर एक कंपोजिशन बना के, इजी कंपोजिशन बना के आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। जो लोग बिगिनर से जरूर देखना, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं दिखाया, बहुत ही शॉर्ट एंड ईजी तरीके से मैंने आज का कंपोजिशन को दिखाया, किस तरह से आप एक दुर्गा ठाकुर के साथ एक बहुत ही ईजी कंपोजिशन बना के तैयार कर दोगे। सो दोस्तों देखो, मैं नाव के ऊपर एक दुर्गा प्रतिमा को ले जाते हुए, मतलब अभी मंडप में ले जाएगा, इसी तरह का मैंने कंपोजिशन को सजाऊंगा। सो दोस्तों अभी भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे गाड़ी से नहीं, नाव के ऊपर, नाव की मदद से दुर्गा प्रतिमा लिया जाता है। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने दुर्गा माता को बनाया एंड छोटा छोटा दो चार फिगर यहाँ पे बनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट फिगर है, जैसे क्लब का लोग, मोहल्ला का लोग जो रहता है नाव के ऊपर, जो लोग ले जाता है प्रतिमा को, तो देखो वो लोग को मैं दो चार बना दूंगा यहाँ पे, दो तीन। और दोस्तों यहाँ पे मैं बनाऊंगा जो नाव चलाने वाला मांझी जी है, मांझी यहाँ पे जो मांझी बनाया, ये देखो मांझी को कितना ईजीली दोस्तों एक बॉक्स की मदद से बॉक्स बॉक्स करके भी आप बना पाओगे बहुत ही ईजीली। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को ध्यान देने वाले कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले, अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं बहुत सारा कंपटीशन में एज ए जज के रूप में रह चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों जब भी आप कंपोजिशन को क्रिएट करोगे तो आपका सब्जेक्ट के ऊपर पावर ज़्यादा रहना चाहिए। आप कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आप पेंटिंग बना रहे हो उसको ज़्यादा देखेगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कितना आपने फॉलो किया है उसको ज़्यादा देखेगा। देन दोस्तों आपने कितना फिगर यहाँ पे ऐड किया, दोस्तों फिगर कितना सुंदर बनाया वो बाद में देखेगा, अगर आपको देखेगा जज की कितना फिगर ऐड किया और उनका पर्सपेक्टिव किस तरह का है, मतलब आपने कितना अच्छे से उनको बनाया, बाद में देखा जाता है कि उसका डिटेलिंग आपने किस तरह से किया। सो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने फिगर काफ़ी सारा फिगर ऐड किया, बहुत ही सिंपल तरीके का फिगर है, ज़्यादा मैंने बड़ा फिगर नहीं रखा, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा बोल के, क्योंकि एक बिगिनर्स डिटेलिंग देने के चक्कर में पेंटिंग को हार्ड कर देता है और काला कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलो मैं स्काई का कलर आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अल्टामरीन ब्लू लिया एंड दोस्तों पुर्शियन ब्लू को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्मिलियन के साथ मिक्स करके हल्का एस कलर टाइप का बना लिया। सेकेंडली मैं दोस्तों यहाँ पे कलर यूज़ कर रहा हूँ, देखो ऑलिव ग्रीन, अगर आपके पास ऑलिव ग्रीन नहीं है तो सैफ ग्रीन के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर दो तो ऑलिव ग्रीन बन जाता है। सो दोस्तों ऑलिव ग्रीन के बाद अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूर का जो किनारा है मेरा, नदी का पहाड़ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेमन येलो यूज़ करेंगे, देन सैफ ग्रीन, देन विडियन ग्रीन। लेमन येलो को इसीलिए यूज़ किया जाता है दोस्तों क्योंकि सनलाइट अगर घास के ऊपर पड़ता है तो घास का जो ये कलर है वो हम लोग को येलो दिखता है दूर से। देन दोस्तों मैं यहाँ पे इस वाटर का कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बोल के वाटर का कलर ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे जो काश फूल है, काश फूल जो घास है उसको बना लिया, ये दुर्गा पूजा के टाइम में बहुत दिखाई देता है और ये संकेत भी है, जब काश फूल फूटता है तो हम लोग बचपन में जानता था कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है। देन दोस्तों अभी हम लोग जो प्रतिमा है उसके लिए देखो कलर यूज़ किया, क्रिमसन लेक से मैंने ड्रेस का कलर किया एंड येलो आकार से पूरा हैंड का कलर कर दिया, फेस का कलर कर दिया। एंड दोस्तों मुकुट के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैडमिलियम येलो यूज़ किया एंड यहाँ पे फिगर में ज़्यादा आप कलर के लिए ज़्यादा मत सोचो, फिगर में थोड़ा यहाँ पे आपको देख के देना पड़ेगा, आसपास में जो कलर नहीं है उसको यूज़ कर लो फिगर के लिए और बहुत ही लाइटली यूज़ करना, ज़्यादा चटक नहीं करना क्योंकि दोस्तों हम लोग इसको दूर से देख रहे हैं, ठीक है, नदी के रास्ते ये जा रहे हैं तो हम लोग दूर से किनारे से देख रहे हैं तो ज़्यादा चटक कलर यूज़ नहीं करने से भी चलेगा। आप थोड़ा सा नॉर्मली कलर को यूज़ करो, ज़्यादा घबराने का भी ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों देखो कितना इजीली मैंने यहाँ पे बोट का भी कलर कर दिया, बोट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक मैंने यूज़ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक की जगह मैं पुर्शियन ब्लू के साथ वर्मिलियन यूज़ करके डार्क करके मैंने अप्लाई कर दिया। देन दोस्तों यहाँ पे बाड़ी आता है, जो दूर वाला जो मेरा यहाँ पे ताड़ का ट्री है उसको कर लिया, बहुत ही इजीली अल्टामरीन ब्लू यूज़ कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। सो दोस्तों जब भी आप कंपटीशन में हिस्सा लोगे कलर को साफ सुथरा रखना क्योंकि आपको जब पॉइंट आएगा कलर के ऊपर ये दिखा जाता है कि कलर आपने कितना साफ सुथरा किया है।
एंड दोस्तों देखो, मैंने पानी का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दे देता हूँ। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।